लगा भी अब बनाओ मैं बनाती हूँ अब अपना ठीक है भाई चल अपन ऊपर जाते हैं गांव लगा भी आप चलो मैं बनाती हूँ पापा को कौन आया दाऊद ने कॉल दे दिया भाभी विश तो करो हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी लोहड़ी गाइस हम पुड़िया बना रहे हैं फिर पकौड़ी बनाएंगे फिर छत पे जाएंगे फिर छत पे जाके पतंग उड़ाएंगे और ये खा भी चुके हैं भाभी बन के मिल गई क्या आपके आईडी छोटू सारा खा जाएगा क्या सब्जी तू ही खा आईडी से आगे चल रहे हैं आगे चले गए बस आप भूल जाओ आईडी को फिर आप ये हमारे प्यारे जमाई कितने फॉलोवर हो गए आपके रेशु ब्लॉग बन रहा है क्या ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉगिंग हो रही है क्या ब्लॉगिंग ब्लॉगर भाभी आप भी बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई भाभी का चैनल ना यही क्या बोल रहा था अब मैं कोच कुछ नहीं देखूंगा यूट्यूब पे बस जम्बेश्वरी फैमिली ब्लॉग देखूंगा आपने नहीं बोला आप जम्बेश्वरी फैमिली ब्लॉग बोल देखूंगा सब्सक्राइब किया है ये लड़के पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे खा रहे क्या पता क्या खा रहे हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल चंबेश्वरी ब्लॉग में आपका स्वागत है कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो हम दोपहर का खाना बना रहे हैं आलू टमाटर मटर की सब्जी बना रहे हैं खाना बना के खा के फिर हम गए थे नेपाली बाज़ार स्वेटर लाया हुआ था वो चेंज कराने के लिए कुछ और स्वेटर देखे थे एक पसंद आया था वो किसी और के मंगाया हुआ था तो वो लेके आए थे और 300 लेके आए थे स्वेटर बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे पर प्राइस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर वो जैकेट लाई हुई थी वो छोटी पड़ रही थी तो फिर से चेंज करा रहे थे एक साइज बड़ा ले रहे थे उन भैया के छोटी पड़ गई थी तो उनके लिए वो ही देख रहे थे कौन सी अच्छी है फिर ये ब्लैक वाली ये सिलेक्ट की थी लेने के लिए Oh,
तिब्बत मार्केट से क्या क्या सामान ले आ रही दिखाती हूँ। एक लेपेट लेके आए थे, पहले लाया हुआ था छोटा था, इसको चेंज करवाने के लिए गए थे। ये हमारे काफी सुसुप लड़का है, उनके लिए लग गए हैं। एक ये स्वेटर लेके आए, ये एक मेरे मामी जी के मंगाया हुआ था, उनके लिए लेके आए। तिब्बत बाजार में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, पर प्राइस बहुत ज्यादा है। स्वेटर तो बहुत अच्छे मिलते हैं। और ऐसे दो शॉल लाए थे, ये और एक इससे थोड़ी सी छोटी है घर में यूज करने के लिए। ये शॉल है, इसकी साइज बहुत अच्छी है। और ये वाले तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छी साइज की अच्छी। नेपाली बाजार से आए, तब तक संध्या का टाइम हो गया था। फिर दिया बत्ती की दिया बत्ती संध्या करने के बाद में संध्या आरती हो गई है, शाम का टाइम है, तो अब पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है दो आलू, दो तीन हरी प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी मटर, ये सब ली है, काट के रख ली। और खड़े मसाले रखे हैं, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, ये सब एक पकौड़ी के अंदर मिक्स कर लेंगे बेसन के अंदर। दाल की पकौड़ी बनानी थी पर मैं भूल गई दाल भिगोना, तो फिर अब बेसन की बना रही हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, मसाले ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला के थोड़ी देर रख देंगे। तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरी पकौड़ी कैसी बनी है, आपने संक्रांत पर क्या क्या बनाया था मकर संक्रांति पर। मैंने तो पकौड़ी और आलू चिप्स और ये भूंगली बनाई थी। हम यहाँ जयपुर में भूंगली बोलते हैं, गांव में भूंगड़ा बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट कर जरूर बताना। तो गोविंद के लिए मैंने ये फ्राई करके निकाल लिए, अब ये नलकी डाल रही हूँ। यहाँ पे नलकी बोलते हैं, हम भूंगड़े बोलते हैं जयपुर में, इनको नलकी बोलते हैं, भूंगड़े से कोई नहीं जानता है। एक दो जगह मैंने पूछा था भूंगड़ा, तो बोले भूंगड़ा क्या होता है। अब मैं पकौड़ी फ्राई कर रही हूँ छोटी छोटी डाल के।